प्रेजेंटेड बाय शुभम म्यूजिक। खैला से ना पेट आपके खराब हो जाए। हां एटो सिंगल बेड के बाटे बेड ओपे राती के सूते होता घुसकी घुसका में ओसिल और पेट खराब हो जाए। हां तो वो पेट तो तार बाबूए जी के न दिया था। तो रउवा के नाम किथी बाकी दोगे खरीद ली बाबूए जी दी हतब्बे होई का। तो उनका समाज में बनावन को खोपड़ी ना काम करते के दो आदमी कैसे सूती हन खाली हमें बेटी सूती के दबो तो सूती। दहेजवा देले दादा पापा तो दहेजवा के ना खरीद पौला का। पलंगिया और नाप के तहरे सूते भर देल रहंगा मो चोनारिया का बनावत रे। रवा के ना बुदी बात ये डबल बेड के पलंग खरीद ली। ठीक बा जा हल्का आलू बन के डबल बेड के जब चाय नींबू पानी के जाके चाय बनाओ चुपचाप जा के देहने के दलत। हमरा नींद नहीं के पूरा अब का कहत हो मन ना कर मुन तो बनाओ तलू की तेरा किसी के दादा ये देखो पहले जाई और डबल पलंग खरीद के लेके आई। अरे तब आग लगले कह देबू कुआं खाना तो कुआं खान दे। हां ये चिंता में खेती रोहनी आ गेल हमारा दादा के बिया आ तू कह है ना हम कर बिया डराई पर से डराई हम ना जाए तभी बाकी पलंग खरीद के लाई तो लाई। हमारा फ्री टाइम नहीं के पलंग दाल खरीद के ला घर आ हमारा जाके पलंग ना खराब हम कुछ ना बने कुछ काम भी ना कर ना करबू तो बेग झाड़े के बच्चा जन नहीं हो कहीं जाए ना जाए। तो हम जितना सीधा है उसे चार गुना टेढ़ हम मुंह तनी कमे में चलावा ठीक बा नू ना तो का करब आ देख दे मुंह पका करब तुरंत पता चल जाई का करब पलंग खरीद के लाई पहले जाके। ठीक बा चुपचाप एबरा खेत जोतवा के बा आ बिया डाले के बा बुझाइल बात के हमरा भी टाइम के तार पलंग चलंग लाग गया तार बाप भाई तो सोचे चाहि कि एगुरे पकई से तू एगो सिंगल बेड के देते तो कैसे सुतिया छ माने बापे भाई जन्म भर के भारी बाड़न का माने का करे बिया के लोग घरे भेजलन कि जा उहे पलंग लेके तू जिंदगी भर सुती हा। हां तो कन्या ने रोज पलंग का साथ लगा अभी 4 साल बिया के भइल आ तो पलंग पे सुत नहीं होता चुपचाप चाय ले चाय बना के लेके भी कि भस्ता भी हमर माता खराब करके हमके पलंग ला दी तबे चाय बनाई। ढेर मुना फुफुन ने बोलो हेने सुनो ए बरा काम बा ए बरा कुल बिया डलो बा आ ना धान रोपई तो घोटबू का घोटबू हां ओकर बारे में सोचे के बनू तो हम का करियो हम बताएं। तो सुनो ए बरा हम अभी टाइम नहीं खे ए बरा पलंग पर अगर सुतल नहीं खे हो तो ए बरा चटाई बिछाव वही पर दोनों जन सुतल जाए। ठीक बा आ पैसा गहूं बेचाइल बा आ पैसा मिली दो चार दिन में ओकर बाद गंगा इलेक्ट्रॉनिक पर से कुल सर सामान आई। ठीक बा आ घरों में काम लगा के बा आ पकड़ी मोड़ इटाढ़ी जोन दुकान बा अजीत भैया के हमरा तो जिले मतलब कुल सीमेंट बालू आ जाके काम कुल कह दिल बानी कल परसों ले गिरे लगी आ गहूँ के पैसा मिली तो बाद में उनका दिया ही आ जिले गंगा इलेक्ट्रॉनिक पर से वो आई। साँचो के साँचो के ना तो मजाक करता ही साँचो का अरे दादा विश्वास नहीं किया तो विश्वास नहीं किया तो अब क्या कर सकता नहीं आप पलंगिया ओ अब पलंगिया भागे जाता पलंगियो आई दादा पलंगिया ए पी एस सोने ना दे तो चटाई पशु तो मजा लो और कुछ। ठीक बा ए बरा भर एक दो दिन के प्रॉब्लम बा सब सॉल्व हो जाई झगड़ा कैला से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकत का आ कुल एक हाली आग लगले ना कुआं खाना जाला तनी मजबूरी के समझ तू ना समझ के बुझी अनो तो है दीवाना राती के कैसे जूझी। ठीक बा जा बनाई रवा अरे दादा पूछो तो ने किया पूछ पूछ चोट दे जा पर दे लेके आओ। ठीक मेहरारू यार बड़ा गजीब के भगवान बनल बड़े मेहरार प्यार से कह तो सब मान जैसन तनिको रो में बोलो तो मुंह ना चिमका रो गया सब ठीक बा लेके आओ कि ओनिए सूत गइलू गैस बना देता हो पलंग एकदम जरूरी है। अरे बाप बड़ा चोट दे लेके आइलू हो पहले ही ले मतलब बना के रख लो लोगा नहीं
इतना प्यार करेंगे। अरे वाह जी भैया नमस्कार, हम विवेक श्रीवास्तव, आप सब जैसे प्यार बनौले बानी वैसे बनौले रहे सबे। पत्नी के अपना पति के मजबूरी के समझे के चाहिए। आ गिल भाई बिया डाले वाला समय, गहूँ बेचाई पैसा भेटे भी ना कोई लाएंगे के पलंगे चाहिए, तो एक दो दिन में सब हो जाए। लेकिन पत्नी के जौन होला तो अपना पति के मजबूरी के बुझे के चाहिए। मऊ हमार मान गई है, होशियार भी है तनी ना, यो कुछ कहेगा तो कबू का हो दो। नमस्कार, बबीता साध्वी के तरफ से आप सभी भोजपुरी समाज के प्रणाम बा, और सब पत्नी के अपन पति के मजबूरी के समझे के चाहें। काहे से कि पति अपना पति पत्नी के इतना केयर कर ला, इतना ख्याल रखेला कि ओकर मेहरारू की फर्ज बनेला कि अपना पति के मजबूरी के समझे और ओकर सुख दुख में ओकर साथ दे। और एक साथे शुभम म्यूजिक के लाइक करी, सब्सक्राइब करी, शेयर करी और बेल आइकन के दबा दी, ठीक बा? काहे कि रउवा दबाई तो हमको दिल के घंटी रउवा भिजी बाजे लागी, ठीक बा? ज्यादा से ज्यादा करी। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।